महानगर पालिका स्कूलों का 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 99.31% रहा। 22 स्कूलों का परीक्षा परिणाम 100% रहा। मनपा मराठी स्कूल जैताला की छात्रा प्रगति मेश्राम 92.60% अंक लेकर मनपा के मराठी, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश चारों माध्यमों में सर्वाधिक अंक लेकर अव्वल रही। गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थियों का मनपा की ओर से सत्कार किया गया। स्मार्ट सिटी के सीईओ चिन्मय गोतमारे, अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीना, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, शिक्षणाधिकारी प्रीति मिश्री कोटकर के हस्ते विद्यार्थियों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मनपा स्कूलों में जीएम बनातवाला इंग्लिश स्कूल की छात्रा बुशरा हबीब खान 81.08% अंक लेकर दिव्यांगों में सफल रही। वहीं अपने स्कूल में उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया। मनपा के मराठी, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश चारों माध्यम के स्कूलों में पहले 3 स्थानों पर छात्राओं ने कब्जा जमाया। कोविडच्या या कठीण परिस्थितीमध्ये देखील विद्यार्थ्यांचं मनोधैर्य राखून त्यांना वेळोवेळी मदत केली, त्यांना मार्गदर्शन केलं व त्यांच्या शिक्षणाकडेच नव्हे तर कारण की कोविडच्या परिस्थितीमुळे मुलांच्या मानसिकतेवर पण थोडा एक वेगळ्या प्रकारचा प्रभाव पडलेला आहे आणि आपण सगळेच नागपूरचं, महाराष्ट्राचं आणि देशाचं नाव उंचावाल अशी मी अपेक्षा करतो आणि आपल्याला शुभेच्छा देखील देतो। मनपा के 29 हाईस्कूल से 1456 विद्यार्थी परीक्षा देने बैठे थे, उनमें से 1440 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। गुणवत्ता श्रेणी में 158, प्रथम श्रेणी 901, द्वितीय श्रेणी 365 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। 22 स्कूलों का परीक्षा परिणाम 100% और 7 स्कूलों का 90% से अधिक रहा। मराठी माध्यम के सभी स्कूल, हिंदी माध्यम के 6 और उर्दू माध्यम के 8 स्कूलों का परीक्षा परिणाम 100% रहा। मनपा का एग्रीगेट रिजल्ट 99.31% रहा है जो कि बोर्ड रिजल्ट से भी ज़्यादा है। बेहतर रिजल्ट लगने में सबके एफर्ट्स हैं। उसमें आपको पता है कि कोविड कालावधि चल रहा था लेकिन हमारे शिक्षक, हेडमास्टर्स बच्चों तक पहुँचे। जिनको ऑनलाइन एजुकेशन नहीं मिल रहा था उनको ऑफलाइन एजुकेशन देने की भी सुविधा उन्होंने दी। हर सैटरडे और संडे जो बच्चे जो सब्जेक्ट में वीक थे उनके एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस लिए, उसका भी हमारे रिजल्ट पर बहुत सारा असर पड़ा। एनबीसी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।